गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब हम आते हैं आठवें अध्याय के पांच और सात मंत्र में। गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन मेरी भक्ति कर, करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, युद्ध भी कर, मेरा मंत्र है ओम नाम का, बता दिया आठवें अध्याय के तेरहवें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदे हम से याति परमा कथि। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसकी जो आखिरी सांस तक भक्ति करता रहेगा तो मेरे वाले ओम नाम से मिलने वाली जो राहत है वो मिलेगी तुझे, इतनी गति तेरी हो जाएगी। लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध भी कर मेरा स्मरण भी कर, आठवें अध्याय के पांच और सात श्लोक में। अपने आत्मा जहां युद्ध करना है वह शांति का, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा तू सर्वभाव से, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता अपने आप बताता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे सिद्ध है कि जन्म मृत्यु श्री कृष्ण में बोल रहा है, जो भगवान तुम श्री कृष्ण ही मान रहे हो स्वामी जी, तो श्री कृष्ण जी भी जन्म मृत्यु में कहता है, गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता मेरी जन्म मृत्यु होती है। तो जब तक जन्म मृत्यु है तो शांति कहाँ। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, और केवल उस परमात्मा की भक्ति करो और सब त्याग दो जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। अब गीता ज्ञानदाता तो कह रहा स्वामी जी के किसी और परमात्मा है, उसकी साधना करने से जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, और आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि मैं स्वर्ग जाऊंगा फिर पता नहीं कहां जन्म होगा, तो ये खाक साधना है। फिर क्या समझा आपने सदग्रंथों को, क्या समझा आपने श्रीमद् भगवत गीता को। अब 5 वर्ष का बालक ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे रहा है 104 साल के ब्राह्मण को। अहंकार अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन साधु संत भक्त से कहीं भी जन्मे हो, चाहे वो राजा हो या रंक, उनमें तड़फ न्यारी होती है, समय आने पर वो सब त्याग देते हैं। जिनके शुभ लक्षण होते हैं, जिनके शुभ संस्कार अधिक होते हैं। अब स्वामी जी सुन रहे हैं, अंदर कलेजा छिल रहा है, ऊपर से ब्राह्मण बने बैठे हैं अभी। अब परमात्मा आगे बता रहे हैं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में, जो तीन पुरुष बताए, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष, ये 16वें श्लोक में बता दिया। 17वें में उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से इसका लिंक है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, यह उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर्वपुरुष यानी ज्योत निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। अब ये दास बता रहा है कि जो जड़ है वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर पुरुष कहो परम अक्षर ब्रह्म कहो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर अब 17 पर आते हैं, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोकतरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, जिसको परमात्मा कह सकते हैं, कहा जाता है, जो वास्तव में अविनाशी है, जो सबका धारण पोषण करता है, सबके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, जिससे सबकी परवरिश होती है, पूरे वृक्ष की परवरिश जड़ से होती है, मूल से होती है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो जड़ है पूरे संसार की, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर
18 के श्लोक 62 में जिसके विषय में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी विषय बता दिया कि भक्ति भी कर, युद्ध भी कर, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। तो गीता ज्ञानदाता के पास वो कंप्लीट कोर्स नहीं है जिससे जन्म मृत्यु उसकी कट सके और उसके उपासक की कट सके, स्पष्ट कर लिया। अब वो कहता है कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों ने खोज ले, तो इस विषय में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार हरियाणा। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूँ। दास पर लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूँ जब नियम में रहोगे तो। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।